और यह एक ऐसी ट्रेन है जो एक ही है जो एक्सप्रेस इस रूट पे यहाँ से चलती है। ये ट्रेन देख लीजिए आप, भावनगर टर्मिनस साबरमती। साबरमती सिर्फ नाम की है पर साबरमती कभी जाती नहीं है। सॉरी, इलेक्ट्रिक पोल डल चुके हैं, अभी काम कब शुरू होगा होता नहीं, तो अभी तक के लिए डीजल पे ही दौड़ाएंगे इसको। सरखेज रेलवे स्टेशन पे और इसका कोड है SE। यहाँ पे आपको खाने पीने के लिए यहाँ पे बटाटे भजी कुछ भजिया टाइप कुछ मिलता है। पे गाड़ी की है जो स्पीड है अभी 100 की स्पीड में चल रही है कोलकाता से निकलने के बाद। साबरमती शेड सात बज के 18 मिनट पे बोटा जंक्शन से। पारसनाथ एक्सप्रेस स्टेशन है लाठी दड़। यहाँ से बाहर निकलते ही आपको ऑटो वाले बहुत खड़े यहाँ पे। जय हिंद दोस्तों, अभी फ़िलहाल मैं हूँ गुजरात के गांधीग्राम रेलवे स्टेशन पे। आज जो जर्नी होने जा रही है गांधीग्राम रेलवे स्टेशन से लेके भावनगर तक के बीच, मेरा कहने का मतलब है भावनगर टर्मिनस तक के बीच जर्नी करूँगा। सो ये है गांधीग्राम रेलवे स्टेशन और इसके ऊपर है मेट्रो स्टेशन। ये देख रहे हैं आप, जो ये है गांधीग्राम रेलवे स्टेशन का एंट्रेंस तो आपको बहुत मिल जाएगी। यहाँ पे दूसरा है, आगे और एक है और ठीक इसके ऊपर है मेट्रो स्टेशन। नीचे रेलवे स्टेशन है गांधीग्राम और ऊपर है गांधीग्राम मेट्रो स्टेशन। इसके लिए आपको यहाँ से बाहर निकल के यहाँ से एंट्री करना पड़ेगा अगर आप मेट्रो में जर्नी करने जाते हो। सो चलिए अंदर चलते हैं रेलवे स्टेशन पे। आज मैं जर्नी करने जा रहा हूँ गांधीग्राम रेलवे स्टेशन से लेके भावनगर टर्मिनस तक के बीच, ट्रेन नंबर 20965 साबरमती भावनगर टर्मिनस सुपरफास्ट इंटरसिटी एक्सप्रेस में। सो ये है गांधीग्राम रेलवे स्टेशन और ये रहा हमारा आज का लोकोमोटिव साबरमती शहर का WDP 4D। सो ये जाएगा गांधीग्राम से लेके भावनगर तक के बीच। इसकी कोच डिटेल इस तरह से है, SLR के 2 कोच, जनरल के 7 कोच, सेकंड सीटिंग के 2 कोच, स्लीपर का 1 कोच और AC चेयर कार का 1 कोच। पेंट्री कार नहीं है, एक लॉन्ग जर्नी नहीं है, शॉर्ट जर्नी है इसलिए पेंट्री कार की ज़रूरत नहीं पड़ती इसमें। सो अभी है गांधीग्राम रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे लगी हुई है। आज मेरी जर्नी होने जा रही है इसके स्लीपर क्लास में। कोच है S1, सीट नंबर है 15, साइड लोअर बर्थ। यह ट्रेन रोजाना गांधीग्राम से शाम को 4:30 पे रवाना होती है और ठीक उसी दिन 8:55 पे रात को भावनगर टर्मिनस पहुंचाती है। यह ट्रेन 248 किलोमीटर का डिस्टेंस पूरा करती है 4:25 7 होल्ड के साथ। गांधीग्राम का कोड है GG, यानी GG। गांधीग्राम रेलवे स्टेशन 2 प्लेटफॉर्म वाला रेलवे स्टेशन है जो पहले एक मीटर गेज लाइन हुआ करता था, तो अब ये ब्रॉड गेज लाइन हो चुकी है पर ये सिंगल नॉन इलेक्ट्रिकल लाइन है, यानी सब डीजल लोकोमोटिव यहाँ पे चलते हैं। और यह एक ऐसी ट्रेन है जो एक ही है जो एक्सप्रेस इस रूट पे यहाँ से चलती है। बाकी आपको बोटाद से आगे काफ़ी एक्सप्रेस ट्रेनें मिल जाएगी, जो ये गांधीग्राम से बोटाद की जो रेलवे लाइन है इसमें सिर्फ ओनली वन यही एक इंटरसिटी एक्सप्रेस चलती है। बाकी 2-3 है जो पैसेंजर यहाँ से बन के
निकलती है। यहाँ से अहमदाबाद रेलवे स्टेशन का डिस्टेंस 3.5 किलोमीटर का है। आप यहाँ से रिक्शा से आ सकते हो, जा भी सकते हो, अगर आप सपोज़ आपको अहमदाबाद रेलवे स्टेशन जाना हो तो। ये ट्रेन देख लीजिए आप, भावनगर टर्मिनस साबरमती, साबरमती सिर्फ नाम की है पर साबरमती कभी जाती नहीं है, ये छुट्टी है गांधीग्राम रेलवे स्टेशन से ही। आई थिंक हो सकता है क्योंकि साबरमती में अभी वर्क प्रोसेस चालू है इसलिए इसको साबरमती भेजा नहीं जाता है। चलिए गाड़ी में ऑनबोर्ड करते हैं। ओम श्री गणेशाय नमः। आपको मेरी सीट बताइए कोच एंटर करते ही। सो ये है मेरी फ्लाइट लोअर 15 नंबर, सब कुछ इस तरह का है। यहाँ पे आपको एक नीचे चार्जिंग पॉइंट मिल जाएगा, ऊपर भी है चार्जिंग ऑलरेडर पॉइंट, फैन और स्विचेस, फैन और लाइटिंग के स्विचेस सामने भी सेम है। नीचे भी आपको चार्जिंग पॉइंट मिल जाएगा और एक ऊपर की साइड में बाकी सेम मिल जाएगा। चलिए अपने ऑन टाइम 4:31 को निकली है, 1 मिनट देरी के साथ, प्लेटफॉर्म नंबर 1 से। काफ़ी अच्छा डेवलपमेंट किया है मोदी सरकार के राज्य में। एक टाइम यहाँ मीटर गेज हुआ करती थी तब ये स्टेशन की हालत इतनी ख़राब हुआ करती थी कि पूछो मत। देखिए ऊपर से मेट्रो और नीचे रेलवे स्टेशन, क्या चमकता है प्लेटफॉर्म नंबर 1। स्लो हो गई यहीं पे आते होते। चलिए चैनल पे नए हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। एक खूबसूरत चक्कर लेगी यहाँ से, यहाँ पे सिर्फ इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव के इलेक्ट्रिक पोल डल चुके हैं, अभी काम कब शुरू हुआ होता नहीं, तो अभी तक के लिए डीजल पे ही दौड़ाएंगे इसको। और ये है अहमदाबाद सिटी, यह ट्रेन अहमदाबाद सिटी के 3 स्टेशन से होकर निकलती है जैसे गांधीग्राम, वस्तापुर और सरखेज। सो ये ब्यूटीफुल सा अहमदाबाद शहर से होते हुए हमारी गाड़ी चलती है यहाँ से। निर्धारित समय के अनुसार 4:41 पे पहुंची है वस्त्रापुर अपने पहले हॉल्ट पे। तो यहाँ अभी हमारा सिर्फ 2 मिनट का हॉल्ट है। एक तो डिश में कुछ नहीं है, लोग मजबूरी में कहीं पे भी चढ़ना पड़ रहा है। वैसे स्टॉप देने का मतलब क्या है, तो पता भी नहीं कहाँ रेक आएगा उसका। 2 मिनट होल्ड के साथ यहाँ से निकली है वस्त्रापुर। तो वस्त्रापुर का कोड था BTP।
चुकी है सरखेज। यहाँ डिस्प्ले तो दिए हुए हैं, तो डिस्प्ले में कौन सा कोच कहाँ आएगा वो रीडिंग तो हो ही नहीं रहा है। हाँ हुआ हुआ हुआ, ठीक है। यहाँ पे कुछ डिस्प्ले दिया हुआ है कौन सा कोच कहाँ आएगा। चलिए प्लेटफॉर्म नंबर एक पे आई है। छः मिनट बिफोर आई हुई है सरखेज रेलवे स्टेशन पे और इसका कोड है SEJ। सो प्लेटफॉर्म नंबर एक पे लाया हुआ है। यहाँ पे कुछ व्यवस्थित डिस्प्ले के साथ अच्छा लग रहा है। यहाँ पे लोग अपने मुताबिक अपने कोच में चढ़ रहे हैं। 4:52 का टाइमिंग था, 4:46 पे यानी 6 मिनट बिफोर आई हुई है। यहाँ पे हमारा सिर्फ 2 मिनट का होल्ड है सरखेज रेलवे स्टेशन पे। सो बिफोर 6 मिनट जल्दी आइए, तो यहाँ पे रोका गया है और प्लेटफॉर्म संख्या टोटल 2 है यहाँ पे। चलिए 4:53 पे निकली, अपने सही टाइम पे डिपार्चर लिया है सरखेज से। इसके बाद जो अभी नेक्स्ट स्टॉप आएगा सर्किट के बाद जो नेक्स्ट स्टॉप आएगा वो 5:22 पे आएगा। तो अभी आधा घंटा ये गाड़ी दौड़ने वाली है। सारा जो एरिया है सब इंडस्ट्रियल एरिया है यहाँ पे। और यहाँ पे आपको क्रॉसिंग मिल सकती है पर इतनी नहीं मिलेगी आपको, और ये सब सिंगल इलेक्ट्रिक नॉन इलेक्ट्रिक लाइन है।
चले अपने निर्धारित समय का राइट टाइम पहुँचिए ढोलका 5:22 पे। यहाँ पे सिर्फ 2 मिनट का स्टॉपेज है ढोलका और इसका कोड है DOK। यहाँ पे आपको खाने पीने के लिए यहाँ पे बटाटे भजी कुछ भजिया टाइप कुछ मिलता है, पे ट्राई करते हैं इसका सुपर बनते हैं इनके बटाटे भजिया। चलिए 1 मिनट रोकी यहाँ पे और 5:23 को यहाँ से निकाली ढोलका से। तो अपना अगला स्टॉप आएगा धंधुका। चलिए आपको वॉशरूम के दर्शन करा देता हूँ। सामने एक आईना है, इतना गंदा है पूछो मत, और पानी आ रहा है अभी भी। ये देखिए डस्टबिन है पूरा गंदा हुआ है यहाँ पे। ये इंडियन टाइप में आपको कंबोर्ड है, एक मग है, नल दिया हुआ है। बाकी नीचे देखा जाए तो आपको साफ़ सुथरा मिलेगा, पर इतनी स्मेल गंदी आ रही है ना इस वॉशरूम में, पता नहीं सकता। गांधीग्राम में साफ सफाई का नाम ही नहीं है, सिर्फ स्टेशन आपको क्लियर दिख रहा है। ये देखिए इसका वॉश मशीन, यहाँ पे भी आईना उसी तरह से गंदा है जैसे अंदर था। यहाँ पे पानी ताकि यहाँ पे कुछ साफ सफाई है। यहाँ पे सामने है एसी चेयर का कोच। गाड़ी की स्पीड की बात की जाए तो यहाँ 56 की एवरेज स्पीड है और मैक्सिमम 110 की स्पीड से चलती है। गाड़ी की है जो स्पीड है अभी 100 की स्पीड में चल रही है ढोलका से निकलने के बाद।
ये पुल निर्माण कार्य शुरू हुआ था, एक साल समथिंग हो चुका है, अभी तक अधूरा ही है। सो ट्रेन हो चुकी है बंदू का। तो ट्रेन पहुंच चुकी है धूल मिट्टी उड़ाते हुए धंधु का रेलवे स्टेशन पे। 6:12 का टाइमिंग था, यहाँ पे पहुंची है 6:06, यानी 6 मिनट बिफोर आई हुई है प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे। तो यहाँ हमारी गाड़ी का 2 मिनट का होल्ट है। काफ़ी लोग उतरे हैं इस ट्रेन से अभी। लोग यहाँ पे काफ़ी उतर चुके हैं धंधुका पे। ये है प्लेटफॉर्म नंबर 2 धंधुका रेलवे स्टेशन का। यहाँ पे तो कुछ नहीं है खाने पीने का, जो है प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे है। बाकी यहाँ पे खाने पीने की बात की जाए तो यहाँ धंधुका के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे ही एक ही स्टॉल है, वो भी क्या भजिया, बटाट भजिया वही मिल रहा है, चाय चिप्स यही मिल रहा है यहाँ पे। और ये धंधुका का कोड है DCK। सो हमारी इस गाड़ी का 2 मिनट का होल्ट है, यहाँ पे लगभग बिफोर आई है 6 मिनट, तो अभी यहाँ पे 5 मिनट ऊपर हो गया है, 6:15 हो रही है। ये आ चुकी है बोटाद गांधीग्राम पैसेंजर ट्रेन। WDM 3D साबरमती शेड। इस ट्रेन के कारण हमारे ट्रेन को 10 मिनट यहीं रोका गया धंधुका पे। धंधुका से 10 मिनट डिले के साथ यहाँ से निकली है 6:23 पे।
अच्छा है। ट्रेन पहुंच चुकी है बोटाद जंक्शन अपने निर्धारित समय यानी 7:01 पे ऑन टाइम आई हुई है प्लेटफॉर्म नंबर 5 पे। सो यहां हमारा ट्रेन का 5 मिनट का होल्ड है, 7:05 पे यहां से रवाना होगी। बोटाद जंक्शन का कोड है BTD। बोटाद जंक्शन को जंक्शन इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहां से एक लाइन विरमगाम से सुरेंद्रनगर होते हुए बोटाद आती है और एक लाइन जिससे हम लोग आए हैं गांधीग्राम धंधुका होते हुए बोटाद की तरफ, और यहाँ से अब सीधी लाइन निकलेगी भावनगर की तरफ। चलिए बोटाद की कुछ डिटेल बता देता हूँ। यहाँ पे एक प्रख्यात साड़ंगपुर एक विलेज है, वहाँ पे हनुमान जी का प्रसिद्ध मंदिर है जिसे कष्टभंजन देव के नाम से जाना जाता है यहाँ पे। सो कभी आओ बोटाद तो साड़ंगपुर हनुमान जी के दर्शन करते हुए आना। और दूसरे उसके जस्ट थोड़ा आगे है स्वामी नारायण जी का टेंपल है, जो स्वामी नारायण की कुछ यादें हैं वो आपको देखने मिलेगी। लगभग जो कष्टभंजन हनुमान जी का टेंपल है वहाँ से लगभग 4 या 5 किलोमीटर का अंतर होगा, उधर भी एक बार नक्की आप जाइए। अभी फ़िलहाल गाड़ी ट्रेन रुकी हुई हमारी बोटाद जंक्शन पर। सो ये दो बच्चे आए, उन्होंने बोला भैया मैं आपका चैनल देखता हूँ, और चैनल को इन्होंने भी सब्सक्राइब कर रखा है। बड़ी खुशी हुई यार, दो बच्चे आए और मेरे को बोलने लगे भैया मैं आपका रेलवे का ब्लॉग देखता हूँ। तो चलो आपका नाम बताओ। कहाँ से हो? यूपी से हो? बिहार? यूपी हो? उत्तर प्रदेश? यहाँ पे क्या करने आए? रहते हैं। कहाँ पे? भावनगर। दोनों बच्चे भावनगर रहते हैं, अपनी मम्मी के साथ है ना। तो अभी कहाँ अंदर घूमने आए थे? मामा रहे। ओके, चलिए आप भी वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपसे भी मुलाकात हो सके। चलिए 12 मिनट डिले के साथ निकली है 7:18 पे बोटाद जंक्शन से। ये क्रॉस हो रही है, ये क्रॉस हुई पारसनाथ एक्सप्रेस जो यहाँ से अभी थोड़ी देर पहले क्रॉस हुई थी, वो थी भावनगर से आसनसोल जाने वाली पारसनाथ एक्सप्रेस। स्टेशन है लाठीदड़। Thank you.
तो अभी ट्रेन पहुंच चुकी है सीहोर जंक्शन। सो यहाँ पे हमारा 2 मिनट का होल्ड है और इसका कोड है SOJN। सो सीहोर जंक्शन इसलिए कहा जाता है कि यहाँ से एक लाइन अलग होती है पालीताना के लिए और से एक लाइन हमारी बढ़ चुकेगी भावनगर टर्मिनस की तरफ। और सो हम लोग आए एक जिससे बोटाद से सीहोर जंक्शन पे। एक्चुअली आने का टाइमिंग था 8 बजे का। सो आइए 45 मिनट देरी के साथ 8:45 पे। सो अभी 5 मिनट तो हो गया इसका यहीं पे, 2 मिनट का होल्ड था यहाँ पे, देखते कब निकलते यहाँ से। सीहोर जंक्शन यहाँ से बाहर निकलते ही आपको ऑटो वाले बहुत खड़े यहाँ पे। देखिए हमारी ट्रेन लगी हुई है अभी प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे। 55 मिनट डिले के साथ निकली है सीहोर जंक्शन से 8:55 पे। चलिए पहुंच चुकी है भावनगर पारा। ये है भावनगर पारा रेलवे स्टेशन। ट्रेन पहुंच चुकी है भावनगर पारा रेलवे स्टेशन। इसके बाद आएगा भावनगर टर्मिनस। सो ट्रेन आई है 9:12, 51 मिनट डिले के साथ चल रही है। 8:17 का टाइमिंग था भावनगर पर आने का, 9:10 पे आई है और 1 मिनट स्टॉपेज लेने के बाद निकल चुकी है भावनगर पड़ा से और इसका कोड है BVP। चलिए थोड़ी देर में आने वाला है भावनगर टर्मिनस रेलवे स्टेशन। चलिए फाइनली पहुंच चुकी है भावनगर टर्मिनस 35 मिनट डिले के साथ 9:30 पे। प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे आई है। सो भावनगर टर्मिनस का कोड है BVC। सो ये हमारा लास्ट स्टॉप है भावनगर टर्मिनस। यहाँ से 25 किलोमीटर के अंतर पे एक निष्कलंक महादेव जी का टेंपल है जो समुद्र में आया हुआ 5 शिवलिंग वाला लिंग मिलेगा आपको, जो 24 घंटे में से 12 घंटा वो पानी में रहता है और 12 घंटा पानी के बाहर रहता है। तो एक बार अगर समय हो तो वहाँ ज़रूर आप एक अगर आपके पास समय हो तो एक बार वहाँ ज़रूर जाइए, उस 5 शिवलिंग के दर्शन कीजिए। तो चलिए जर्नी को यहीं ख़त्म करता हूँ। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो चलिए मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।